कितना दिमाग लगाया था मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में, क्या क्या सोचा था इस फिल्म के बारे में मैंने, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ना कोई ट्विस्ट, ना टर्न, ना सस्पेंस, ना मिस्ट्री, ऐसा कुछ भी आप इस फिल्म से एक्सपेक्ट मत करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है, फिल्म बहुत ही बढ़िया है। फिल्म की शुरुआत से लेकर के आखिर तक ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती, और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये फिल्म बहुत ही फास्ट है। जैसा इसका नाम है फास्टर फैन है, उसी प्रकार से आदित्य सरपोद्दार जी का डायरेक्शन है यहाँ पर। किसी भी सीन को उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा खींचा नहीं है, फिल्म बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, और यही इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात है। और अगर आप कमी मुझसे पूछोगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, सरप्राइज नहीं है, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। जो आपने ट्रेलर में देखा है वही आपको 2.5 घंटे की फिल्म में देखना है। एक स्पाई या डिटेक्टिव मूवी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिल्म हमें आखिर में कुछ सरप्राइज देगी, शॉक करेगी, लेकिन ऐसा इस फिल्म में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोग बनेश फैन इस कैरेक्टर की तुलना शेरलॉक होम्स से कर रहे थे, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे टिनटिन का देसी वर्जन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था। और इस फिल्म में बनेश फैन के कैरेक्टर से भी ज़्यादा अप्पा के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब गिरीश कुलकर्णी जी के ऊपर पूरा फोकस है फिल्म में, और वो बहुत ही बढ़िया किया है यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस फिल्म में पूरा का पूरा भाव खा गए हैं गिरीश कुलकर्णी। उनके सिवा हमें कोई कैरेक्टर याद ही नहीं रहता थिएटर से बाहर निकलने के बाद। मतलब फास्टर फैन ये जो कैरेक्टर वो क्रिएट करना चाह रहे थे बच्चों के मन में, उसकी जो एक छाप छोड़ना चाह रहे थे डायरेक्टर यहाँ पर, उसमें वो कुछ हद तक फेल हुए हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि थिएटर से बाहर निकलने के बाद फास्टर फैन से भी ज़्यादा हमारे दिमाग में गिरीश कुलकर्णी जी का जो अप्पा नाम का कैरेक्टर है वो ज़्यादा हमारे दिमाग में घर कर बैठता है ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब स्टोरी की बात करते हैं, मैं कोई भी आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, चिंता मत करिए। बनेश फैन एग्जाम देने के लिए अपने घर से पुणे शहर में आता है, फिर एग्जाम के पहले ही धनंजय नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन धनंजय एग्जाम के समय ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर सुसाइड कर लेता है। और फिर जैसा कि उन दोनों के बीच में पहले बातचीत हुई रहती है, उससे बनेश फैन को शक होता है कि भाई ये सुसाइड हो ही नहीं सकती, ये एक मर्डर है। और फिर जैसे जैसे वो इस केस में इन्वॉल्व होते जाता है, वैसे वैसे उसके सामने बहुत बड़े बड़े राज खुलने लगते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो क्राइम होता है, घोटाले होते हैं, वो उसके सामने आने लगते हैं। और फिर उसकी सीधी टक्कर होती है अप्पा से, और फिर जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब फिल्म देखने में असली मज़ा शुरू होता है। गिरीश कुलकर्णी यानी अप्पा फैने को इस केस से दूर रखने के लिए अलग अलग प्रकार से डराते हैं, और वो सभी सीन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं। अप्पा की वो वियर्ड सी हंसी, और वो जब अपनी पुरानी कहानियाँ बताते हैं कि मैंने बचपन में इस लड़के के साथ ऐसा किया था, मैंने बचपन में उस आदमी के साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ वैसा किया था, वो सभी कहानियाँ हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करती है। और शायद इसी वजह से ये फिल्म हमें डिटेक्टिव जॉनर से भी ज़्यादा एक क्राइम जॉनर की मूवी है ऐसा लगने लगता है। इसके बाद फैने किस प्रकार से इस केस को सॉल्व करते हैं, क्या वो सॉल्व कर पाते हैं भी या नहीं, ये हमें इसके बाद देखने को मिलता है इस फिल्म में। तो ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करिए इस फिल्म से, जो आपने इसके ट्रेलर में देखा था वही सभी चीज़ें आपको 2.5 घंटे की फिल्म में देखनी है। और इन सभी बातों के अलावा हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ पसंद आता है तो वो है इस फिल्म का म्यूज़िक। फिल्म का म्यूज़िक इस प्रकार से दिया गया है कि बच्चे भी इस फिल्म से अपने आप को जोड़कर देख पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। अगर इस फिल्म में कुछ ज़्यादा इंटेंस म्यूज़िक दिया जाता तो फिर बच्चे इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाते। अमय वाघ और गिरीश कुलकर्णी इन दोनों के अलावा दिलीप प्रभावलकर जी आजूबा के रूप में, उसके साथ ही परना पेठे जो यहाँ पर फास्टर फैने का एक लव इंटरेस्ट या फिर बहुत ही अच्छी बचपन की दोस्त अबोली नाम का कैरेक्टर वो यहाँ पर निभा रही है, उसके साथ ही फास्टर फैने का एक छोटा दोस्त भू नाम का कैरेक्टर शुभम मोरे यहाँ पर निभा रहे हैं, और सिद्धार्थ जाधव जो यहाँ पर एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आए हैं, लेकिन जितने समय के लिए वो स्क्रीन पर दिखते हैं ना, लिटरली हमें एंटरटेन करके जाते हैं। तो इन सभी ने हमें पूर्ण रूप से एंटरटेन करने की कोशिश की है, और सबकी एक्टिंग मुझे यहाँ पर पसंद आई। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, गिरीश कुलकर्णी जी के लिए ये फिल्म आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5 stars की। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।